आज हम बाबा साहब का 127वां जन्मदिन मना रहे हैं। मैं भाषण दूंगा नहीं, मैं एक दो बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जितनी मेरी माताएं बहनें बैठी हुई हैं और मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथी बैठे हुए हैं, वो केवल एक दो काम अपने जीवन में करें, संकल्प लें बाबा साहब की 127वीं जयंती पर कि जो संस्कार हम करते हैं उनको छोड़ करके जो बाबा साहब ने हमें बुद्ध धम्म दिया है उससे हम अपने संस्कार करें। अगर हमने संस्कार बदल दिए, अगर हम लोगों ने संस्कार बदल दिए, आगे आने वाली पीढ़ी हमारे इन्हीं पद चिन्हों पर चलेगी। मैं एक उदाहरण देकर के अपनी बात को समाप्त करूंगा क्योंकि वक्ता बहुत ज्यादा हैं। एक अंधे और अंधी थे, वो जब माता अंधी खाना बनाती थी तो कुत्ता या बिल्ली रोटी लेकर के चला जाता था, बहुत शॉर्ट में बोलूंगा। जब वो चला जाता था तो वो भूखे रह जाते थे। उनके दिमाग में आइडिया आया बाबा के में कि भाई मैं दरवाजे पे एक बांस का फटेरा लेकर के बैठ जाऊंगा और उसको बजाता रहूंगा, कुत्ता बिल्ली नहीं आएगा, तुम खाना बनाना। तो वो उसी प्रक्रिया को करते थे। वो दोनों खत्म हो गए, उनकी संतानें जो हुई वो भी शादीशुदा हो गई। तो जब उनकी संतान हुई, उसके जो पुत्रवधू थी, जब वो खाना बनाती थी तो वो फटेरे को, उसका जो हस्बैंड था, जो बेटा था बुड्ढे बाबा का, वो उसको दरवाजे पे लेकर के बजाता रहता था। तो और समाज के लोग बोले कि भाई तुम ये फटेरा, ये बांस का जो फटा हुआ, इसको क्यों इस तरह से बजाते हो जब तुम्हारी धर्मपत्नी खाना बनाती है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पूर्वज करते हुए आते थे, इसलिए मैं भी ये कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि वो तो आंखों के अंधे थे, अरे तुम तो अकल के अंधे हो। भाइयों, मेरी माताओं, अकल के अंधे या बहरे मत बनो। जो बाबा साहब ने हमें धम्म दिया है, जो संस्कार हमें दिए हैं, उसके आधार पर चलो तो हमारा सब कुछ बदल जाएगा। ये जिस तरह से हमारा अभी पीछे एडिटेशन हुआ भारत बंद का, वो आपने सफल किया, इस तरह से ही ये संस्कार इसी गति के साथ में आप बदल दीजिए, पूरा संस्कार बदल जाएगा। और देश के अंदर, केवल उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं, हर प्रदेश के अंदर हमारी सरकारें होंगी और सेंटर में भी हमारी सरकारें होंगी। इसलिए बदल जाइए, संस्कार बदल दीजिए, आप शासन सत्ता के हुक्मनार होगे, आप शासन करने वाले होगे। पहले भी आप शासन करते थे लेकिन कुछ लोगों ने यहाँ आकर के हमको बरगलाने का काम किया और आज समय आ गया है, सरकारें इस तरह की हैं कि हमको ठहरे हुए पानी में डला मार करके देख रही हैं कि ये हलचल करेगा नहीं करेगा। इन्होंने जो SC ST एक्ट था उसमें इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से ये कुछ करके देखा तो हम लोगों ने दिखा दिया कि हम संगठित हैं और हम एक हैं। इसी तरह से आप एक मंच पर संगठित हो जाइए, कोई ताकत नहीं कि आपको शासन सत्ता में, जब तक हमारी भागीदारी नहीं होगी हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एक मंच पर आ जाइए और शासन सत्ता से आने से हमें कोई रोक नहीं सकता। जो बाबा साहब का इशारा है कि पार्लियामेंट हमारा है, उसको आप साकार करने का काम करेंगे, ऐसा मैं आपसे निवेदन करता हूँ। मैं भाषण देने के लिए खड़ा नहीं हुआ, मेरी माताओं से, मेरी बहनों से मैं पुनः निवेदन करता हूँ कि वो अपने संस्कार बदलने का काम करें। केवल मेरे उनके चरणों में आज 127वें जन्मदिन पर मैं उनके चरणों में नमन करता हूं और बाबा साहब के चरणों में अपनी श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं। जय भीम, नमो भूताय।